हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा स्वागत करता हूँ आपका सिविल हाउस डिजाइन में। इस वीडियो में आप देखेंगे 30 फीट बाय 30 फीट का अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस। जैसे कि दिख रहा है सामने, पहले सबसे पहले आता है इसमें शॉप। ये जो होलसेलर शॉप है, इसका साइज 18 फीट 9 इंच बाय 28 फीट 6 इंच है लगभग। इसके बाद आगे चलते हैं हम, तो राइट साइड में इसका आता है स्टेयर्स विथ पार्किंग। इसका जो साइज है वो 9 फीट बाय 13 फीट है लगभग। इसमें स्टेयर्स के लिए भी है और पार्किंग के लिए भी स्पेस लिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं इसमें प्लम्बिंग का काम हो चुका है। आगे इसमें प्लास्टर का काम रह गया और फ्लोर का काम भी करना बाकी है। आगे चलें तो अब आता है इसके बाद स्टेयर्स। स्टेयर्स के हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। स्टेयर्स में जो बेस है उसको कंक्रीट से बनाया गया है और ऊपर की ओर जो स्टेप्स है उसे ब्रिक्स से बनाया गया है, ईंटों से बनाया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऊपर के स्टेप्स हैं जो कि ईंटों से बनाया गया है। इसके बाद हम आगे चलें तो ये हमारा आता है लैंडिंग। यहाँ से जो अगला फ्लाइट स्टार्ट हो रखा है, इस फ्लाइट में कंक्रीट से स्टेप्स से बनाए गए, जैसे कि दिख रहा है ये कंक्रीट से बनाए गए स्टेप्स, और ये फर्स्ट फ्लोर आ जाता है। इस तरह से स्टेयर्स का कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो इसमें मोस्टली यही होता है कि जो ऊपर के फ्लाइट होते हैं उसको कंक्रीट से ही बनाया जाता है, बाकी नीचे के फ्लाइट में हम ब्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रिक्स का यूज़ किया गया है और जो बेस है उसे कंक्रीट से बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोड आता है। आगे चलते हैं तो हमारा आता है किचन। ये हो जाता है किचन। इस किचन का साइज लगभग 9 फीट बाय 6 फीट 4 इंच है। ये हो जाता है हमारा किचन। जैसे कि देख सकते हैं आप, अच्छा से डिजाइनिंग दिया गया है इसे। अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जब ये बन जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं, हमारा आता है कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम। इसका जो साइज है वो 9 फीट बाय 5 फीट 5 इंच है लगभग। तो ये हो जाता है हमारा कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम। तो इस तरह से हो जाता है 30 फीट बाय 30 फीट अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस विद शॉप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।